नमस्कार, एक बजे का समय यानी कि आज के एजेंडे का समय और उसको लेकर हाजिर मैं हूँ निहारिका महेश्वरी। दरअसल देश में माहौल चुनावी है। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरुआत में होने वाले और उसके बाद बारी आएगी गुजरात और बाकी राज्यों की। कुल मिलाकर 2017 एक ऐसा साल रहेगा जहां 10 बड़े राज्यों में क्रूशल रहेगा चुनाव। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये निर्णायक रहेगा। यहां पर इन तमाम चीजों में सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता हो रही है। ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुस्लिम के प्रोग्रेस को आंकेंगे और जगह जगह पंचायत करेंगे क्योंकि हमने जो काम किया है हमें उसे बखान करना है। हमारा सवाल यह है कि क्या मुस्लिमों को इस तरीके की पंचायत की जरूरत है? इमेज सुधारने के लिए क्या उन्हें रियलाइज होगा कि अभी इमेज सुधारनी चाहिए, या फिर जब विपक्ष कह रहा है कि इमेज पर बात आ गई तो सरकार को मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर नहीं लेना चाहिए? हमारा सवाल यह है कि मुस्लिम प्रोग्रेस से मानेंगे या इस तरीके की पंचायत से? अल्पसंख्यकों के लिए किए गए काम का बखान इस तरीके की पंचायत के जरिए। दरअसल इस तरीके का पंचायत का तो बहाना है, चुनाव का पूरा टारगेट है। असल में मोदी सरकार आज से देश भर में मुसलमानों समेत तमाम अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करने जा रही है। हरियाणा के मेवात से इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें मुस्लिम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हिस्सा ले रहे। सरकार देश भर में 100 से ज्यादा पंचायत करने वाली है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने 2 साल में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। अब इस तरह की पंचायत का मकसद अगले साल यूपी में होने वाले और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में वोट की असल जो ताकत है उसको पहचान कर फसल उगाने का एजेंडा है। ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पंचायत करने से क्या मुस्लिमों की प्रोग्रेस होगी या फिर जमीनी स्तर पर काम करने से। तो आज पहली प्रोग्रेस पंचायत है हरियाणा के मेवात से इसकी शुरुआत हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्रेस सबको चाहिए और शायद हमारा मतदाता चाहे कोई भी हो, चाहे उसे वोट बैंक का टर्म दे या फिर नहीं, आजकल प्रो पब्लिक वही है जो डेवलपमेंट की बात करता है और उसी को वोट जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद है। मौलाना यासू बब्बास इस पर अपनी राय रखेंगे। मेरे रिपोर्टर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर AICC मुख्यालय के बाहर अनुराग चड्ढा मेरे साथ जुड़े, इनके पास जाएंगे। लेकिन विस्तार से हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिना जजमेंटल हुए, ये रिपोर्ट देखिए, फिर जाएंगे अपने मेहमानों के पास। हरियाणा का मेवात वो जगह है जो हाल में तमाम गलत वजहों से चर्चा में रहा, फिर वो चाहे दंगे हों या नाबालिगों के साथ रेप या फिर बिरयानी पर बवाल। यहां से मोदी सरकार एक बड़े एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर रही है। 2 साल में देश की माइनॉरिटी ने कितनी तरक्की की, सरकार की कितनी स्कीमें उन तक पहुंची, इसकी समीक्षा सरकार करने जा रही है। लोगों से संपर्क संवाद हम केवल जो है वो खाली हाथ नहीं जाके कर रहे हैं, बल्कि हमने जो कुछ किया है उसका लेखा जोखा लोगों को, और उसके अलावा हम क्या करने जा रहे हैं आपके लिए उसका लेखा जोखा, और तीसरा जो, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता है वो देश के लोकतंत्र की मालिक है, और हमारे लिए विकास जो है हमारा राजधर्म है, और विकास आखिरी आदमी तक, कमजोर तबकों तक, गरीबों तक पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे मेवात के बिछोर गांव से इन पंचायतों की शुरुआत हो रही है। असल में हरियाणा के मेवात में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 79% थी। ये इनका इनकंसिस्टेंट, बल्कि हिपोक्रेसी का एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है। नहीं, गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, गवर्नमेंट जो पैसा बजट में अलॉट होता है उसको जारी नहीं करती है तो कैसा सक्सेसफुल होगा? मेवात के लिए 12 फाइबर प्लान में जो पैसा दिया गया वो इंप्लीमेंट नहीं होता तो क्या करेंगे आप? तो ये प्रोपोगंडा है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है तो देखेंगे और क्या कर सकते हैं लोग। सरकार की योजना देश भर में ऐसी पंचायतों को आयोजित करने की है। मेवात के बाद दूसरी पंचायत 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में होगी। देश में ऐसी 100 पंचायतों का आयोजन किया जाएगा जिसमें राज्य और केंद्र के नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे, यानी हर महीने औसतन 25 से 30 पंचायतें होंगी। आखिर में दिल्ली में अंत्योदय समागम के रूप में इस प्रोग्राम का समापन होगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद रह सकते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि प्रोग्रेस तो बहाना है,
यूपी चुनाव निशाना है। सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ठोस काम करने के लिए पंचायत की जरूरत नहीं होती है, आपके पास सरकार है, कुछ काम करके दिखा दीजिए, पंचायत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वोट बैंक की राजनीति, जिसको खुद प्रधानमंत्री उस दिन कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति या वोट बैंक की मंडी में पड़ा हुआ माल नहीं समझना चाहिए, आज वो शायद उसी तरह खुद बढ़ रहा है। देखिए, बीजेपी का कई चेहरा है, अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इसके पीछे उनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। लोगों की नजरों में दिखाई पड़ रहा है, जमीन पे दिखाई पड़ रहा है, तो उन्हें क्योंकि अपोज करना है, विरोध करना है, इसलिए विरोध जो है, विरोध की भी फॉर्मेलिटी होती है, तो ये फॉर्मेलिटी का विरोध है। असल में पीएम मोदी ने केरल के कोझिकोड में कहा था कि मुसलमानों को वोट की मंडी ना समझा जाए, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अपना समझा जाए। तभी से ही कयास लगने लगे थे कि क्या बीजेपी इस तबके को कुछ संकेत दे रही है। यूपी की बात करें तो 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों का 8% वोट ही मिल पाया था, हालांकि ये 2009 में मिले वोट से 3% ज्यादा था। अब विपक्ष वोट की सियासत का आरोप लगा रहा है, इसके पीछे वो मुसलमानों के खिलाफ चल रहे अभियान का तर्क दे रहा है। फिर वो चाहे बिरयानी विवाद हो, एएमयू और जामिया यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस वाला मुद्दा हो, या फिर आरक्षण और स्कॉलरशिप को लेकर मोदी सरकार की नीति, ये सवाल तो है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार और बीजेपी ऐसा क्या करेगी जिससे उसकी ये कोशिश वोट के लिए मुसलमानों को लुभाने की कवायद ना लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। यहाँ सिर्फ हम मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, कई माइनॉरिटी कम्युनिटी आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि 2 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया, तो अल्पसंख्यकों की अब याद क्यों आ रही है, इलेक्शन से क्या मोटिव है। वहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम प्रोग्रेस पर, डेवलपमेंट पर बात करेंगे जो हमने 2 साल किया। क्या ये इमेज सुधारने की कवायद है, या फिर समय रहते ये रियलाइजेशन है कि भाई हमें इमेज पर काम करना होगा। इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं पक्ष लूंगी बीजेपी का। आज का दिन आपका है और 100 ऐसी पंचायतें आप लोग करने जा रहे हैं, क्या मकसद है, क्या ये रियलाइज हो रहा है, अब आपको क्यों जरूरत पड़ी इस तरीके की पंचायत करने की? निहारिक का ये कहना कि अब क्या ज़रूरत पड़ी, क्या आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें जो है कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहता है वो सबको पता है, सबका साथ सबका विकास। हमने बिल्कुल भी देरी नहीं करी, हम शुरुआत से अपनी राह पर चल रहे थे। पूरे भारतवर्ष की जनता जो है उसको किस प्रकार से एक अच्छा जीवन दे सके, उस राह पे हम चल रहे हैं। और पिछले आपने देखा होगा कि 60 वर्षों में जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया है हमारे माइनॉरिटीज़ का, एंड स्पेशली अगर हम बात करें हमारे मुस्लिम भाइयों का, तो वो यहाँ पे मुझे बयान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको गरीब से महागरीब और पिछड़े से अति पिछड़ा बना दिया गया है, और उसमें अपना खुद का इनका राजनीतिक स्वार्थ रहा है। जो एनडीए सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसका इस प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो धर्म और जाति इससे ऊपर होकर देश के विकास के लिए सोचती है। तो उसमें एक ये अच्छी पहल हुई है, तो उसकी प्रशंसा करने की जगह अगर विरोधी दल किसी भी प्रकार का ताना देते हैं या उसमें मीन मेक निकालते हैं, तो ये अपने आप में सिद्ध कर देता है कि ये हमारी एक बहुत अच्छी पहल है, और जो इनकी छटपटाहट है वो केवल इसलिए है। से सबका साथ सबका विकास बोला गया था, सब जानते हैं, लेकिन बस ये मेरा सवाल है, 2 साल बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? प्रोग्रेस पंचायत पहले हो जाती, अब कर रहे हो तो सबको ही कह रहा है कि वोट पंचायत है। ये पूछा है कि आपने 60 वर्ष जो है केंद्र में राज किया, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, 30 वर्ष आपने वहाँ पे राज किया, क्या किया इन लोगों ने माइनॉरिटीज के लिए? अगर मैं मुस्लिम कौम की भी बात करती हूँ तो क्या किया? आज हमने दो वर्ष में भी हम कार्य कर रहे थे, परंतु बहुत सारे ऐसे विरोधी दल और विरोधी व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये एक अच्छी पहल है कि सीधे डायरेक्ट डायलॉग हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उनको योजनाओं के विषय में बताया जाएगा, और जो कुछ मदद उनको चाहिए वो रिस्पेक्टिव जो मंत्रालय हैं, वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनको मदद भी देंगे। तो ये एक खुशी का मौका है, और हमें स्वागत करना चाहिए मोदी सरकार का कि इस प्रकार की उन्होंने पहल की है, ना कि उसमें मीन मेक निकाल के और
प्रशंसा ना करके उसको एक धक्का देने का प्रयास करें। ठीक, जो विरोधी दल है वो अपना कार्य करेंगे और जो मोदी सरकार है वो अपना कार्य करेगी। आप ही की जो तारीफ है मोदी सरकार के काम का एनालिसिस एक बेहतर एक एक्सपर्ट ही कर सकता है जो राजनीति से ऊपर ही उठाओ, जिसे राजनीति से लेना देना नहीं हो बल्कि मुसलमानों के डेवलपमेंट, अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट पर फोकस करना। मौलाना यासूब अब्बास, पंचायत चाहिए या प्रोग्रेस चाहिए? देखिए निहारिका, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुसलमानों के प्रोग्रेस की बहुत सख्त ज़रूरत है, मगर पंचायत भी ज़रूरी है। आपने जो इशू उठाया बहुत अच्छा इशू उठाया है, पंचायत या प्रोग्रेस, मगर मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि पंचायत भी ज़रूरी है। आज तक के मुस्लिम मसाइल के ऊपर किसी ने कोई डिबेट नहीं की, किसी सियासी पार्टी ने बैठ के कोई बात नहीं की। एक हुकूमत के गिर्द एक सर्किल होता है जो भी सरकार होती है, और अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को वो फर्द नहीं पहुंच पाते हैं जो सरकार से पहुंचना चाहते हैं, और वो कुर्सी के गिर्द घूमते हैं और अल्पसंख्यकों के नाम के ऊपर फायदे उठाते रहते हैं। ये बहुत अच्छी पहल। ठीक है मौलाना साहब, आपके पास जाएंगे हम। अब सीधे रुक करते अपने रिपोर्टर अनुराग चड्ढा का। अनुराग, विपक्ष का काम है उंगली उठाना, विपक्ष का काम है कि सरकार अगर गलत दिशा में जा रही है उसको करेक्ट करना। अपोजिशन हमेशा होना चाहिए ताकि चीजें बैलेंस हो। आप मुझे बताइए, अगर दो साल बाद ये पंचायत हो रही है तो इसे कांग्रेस किस तरीके से देख रही है, जो अपनी खाट पंचायत कर माहौल को शुरुआत अपने एजेंडे को भी आगे बढ़ा रही है? देखिए निहारिका, ना केवल कांग्रेस की बात बल्कि वो तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो कहती हैं कि हम सेकुलर पार्टियां हैं, उन सभी में बेचैनी आ गई है, क्योंकि वो सांप्रदायिक पार्टी कहती हैं बीजेपी को और मुस्लिम वोट को अपनी पार्टी में लाने का हर प्रयास करती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक ऐसा वोट बैंक है कि अगर जिस पार्टी के पास ये काफ़ी संख्या में चला गया तो उसकी सरकार बन जाती है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, वो मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए नए नए प्रयोग करती रहती है और ऐसी लीडरशिप डेवलप करती है जिससे जो मुस्लिम वोट है वो उनकी तरफ आ सके। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी आज कांग्रेस ऑफिस में बात हुई तो उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दो साल के अंदर जो दावे वादे किए थे देश की जनता से मोदी सरकार ने वो तो पूरे हुए नहीं, लेकिन अब उन इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पंचायतों की शुरुआत की गई है। कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह हैं और भी नेताओं से मेरी बात हुई तो उनका यह कहना है कि देश के कई ऐसे राज्य हैं और उनमें ऐसे शहर और जिले हैं जहां पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो केंद्र सरकार ने ऐसे कई शहरों का, ऐसे कई जिलों का जो फंड है जो मुस्लिमों के उत्थान के लिए जाता है वो रोक दिया है, या उनके ऊपर जो फंड इससे पहले खर्च हुआ उस पर तमाम तरह की जांच बता दी। तो एक तरफ तो बीजेपी मुस्लिम पंचायत करके उनके प्रोग्रेस की बात करना चाहती है, लेकिन जो मुस्लिमों के लिए केंद्रीय योजनाएं थी वो तक रोक दी गई हैं। यहां तक कि जो अल्पसंख्यक फंड होता है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय मंत्री हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी, उनके मंत्रालय का कई बहुत ऐसा फंड है जो कि खर्च नहीं हुआ। तो अगर बीजेपी की नीयत सही होती तो सबसे पहले जो फंड होता है उसको वो खर्च करती, उसके बाद इस तरह की पंचायतों की वो शुरुआत करती। दरअसल जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बीजेपी की कोशिश है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो किसी तरह से भ्रमित हो जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए, तो बीजेपी की कोशिश यही यही है, इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं। और बीजेपी के नेता भी इस बात को जानते थे कि अगर चुनावों से पहले वो इस तरह की पंचायतों की शुरुआत करेंगे तो उन पर बड़ा आरोप लग सकता है, तो इसलिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने उन राज्यों में इन पंचायतों की शुरुआत करने की पहल की है जहां पर अभी चुनाव ही नहीं है, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन राज्यों में उनको मैसेज देना है वो मैसेज दे देंगे। इमेज कॉन्शियस बीजेपी अपनी इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, अब उसे वोट बैंक को भ्रमित करना है या फिर इन्फॉर्म करना, एंगेज करना, इम्पावर करना है, उन्हें बताना है कि हमने दो साल में आपके लिए क्या किया, ये उस पंचायत में जो भीड़ जुटेगी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी उससे पता चल जाएगा। हालांकि कांग्रेस पूरे डिफेंसिव मोड में है, उन्होंने कहा है कि इमेज सुधारने की अब क्या कोशिश होगी, आपको क्या रियलाइजेशन हो गया दो साल आपने अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया। आरपीएन सिंह का इस पर क्या कहना है वो सुन लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह जी हमारे साथ, तो उनसे हम बात करते हैं। सर, बीजेपी ने दरअसल जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक उनकी पंचायत शुरू करने का ऐलान किया, मेवात में आज से पंचायत शुरू हो रही है, तो आपको लगता है कि 2017 के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों को रिझाने का प्रयास बीजेपी कर रही है? देखिए, इसी तरह उन्होंने दलितों को रिझाने की बात करी थी, मुसलमानों को भी। मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की किया है, अलगाववाद उनके खून में बसा हुआ है। उन्होंने इस देश को जोड़ तोड़ से नफरत की दीवारें खड़ा करके इलेक्शन जीतने की बात करी है,
तो ये जितने आउटरीच के कार्यक्रम ये कर रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम इलेक्शन के लिए हैं, पर मानसिकता पूरा देश और पूरा हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है सब जानते हैं। सर, मुख्तार अब्बास नकवी को इस पूरे मामले की कमान सौंपी गई है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। दरअसल इस पंचायतों के सहारे जो केंद्र सरकार मुस्लिमों के लिए योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, उनकी समस्या को निदान कराया जाएगा। आपको लगता है कि सीरियस चीज़ें हैं कुछ? कम से कम जो इनके मंत्री, इनके वरिष्ठ नेता, जो इनके मानसिकता में मुसलमानों के प्रति जिस तरह के इन्होंने उद्बोधन किए हैं, जिस तरह के भाषण दिए हैं, व्यक्तित्व दिए हैं, उसके बारे उनको तो रोकने का काम पहले करे, किसी की सहायता करने के पहले उनके बारे में जिस तरह का घृणा फैलाते हैं, पहले उसी को बंद कर दें, मैं समझ सकता हूँ वो एक बहुत बड़ा कदम होगा जी। अच्छा सर, एक सवाल और, जिस तरीके से सर बीजेपी ने लगातार आप कहते रहे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और अब मुसलमानों को रिझाने की उन्होंने ये मुहिम शुरू की है, लेकिन उन राज्यों में ये मुहिम शुरू होगी जहाँ पर चुनाव नहीं है। हाँ, तो चुनाव नहीं है तो ये मैसेज तो उत्तर प्रदेश ही को देना चाह रहे हैं ना सर। रुझान है, आज ऐड सारे निकाले जा रहे हैं तो इनको ऐड निकालने पड़ रहे हैं ऐसे काम के लिए। प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो बोलते हैं मैं पूरे भारतवर्ष का 100 करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री हूं, तो अब आउटरीच करने की इनको जरूरत क्या है? इंसान और इंसानियत की राजनीति करते तो ऐसे कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आरपीएन सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका यह कहना है कि बीजेपी मुसलमान वोटों को लुभाने के लिए ये सब कर रही है, जबकि इच्छा शक्ति अगर उसमें हो तब मुसलमानों का भला हो सकता है। दिल्ली से कैमरामैन गोपाल के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। चुनाव आ रहा है, सबको अपने अपने अटेम्प्ट्स करने का पूरा तरीके से अधिकार है, लेकिन अब वोटर्स भी यहाँ पर जागरूक हो गए, उन्हें पता है कि किसने डेवलपमेंट किया, हमने वोट किसको दिया था, किसने डेवलपमेंट किया, किसने अपनी सिर्फ बातें कही, किसने एक्शन के रूप में और रिएक्शन के रूप में काम किया और किसने असल वजह में उनका साथ दिया। 2 साल का काम बखान करने के लिए पंचायत, प्रोग्रेस पंचायत हरियाणा के मेवात से इसकी शुरुआत। हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास जुड़ गए। मौलाना यासूब अब्बास, निश्चित तौर पर यह कदम सराहनीय प्रोग्रेस पंचायत होगी, तभी तो चीजें प्रोस एंड कॉन्स है कि हमने क्या काम किया, क्या सजेशंस और कितना काम करने की जरूरत है, उस पर काम हो पाएगा। लेकिन पंचायत ये ना रहे कि एक आया उसने अपना बातें बोल दी कि हमने ये किया बोल के चला जाए, इक्वली फीडबैक लेने की भी काफी जरूरत है। आजकल पंचायतों का ट्रेंड हम देख रहे हैं, नेता आते बोल कर चले जाते हैं, मतदाता ऐसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन अर्का, मैं भी ये बात कह रहा हूँ, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि खाली इसको बातचीत की हद तक नहीं रहना चाहिए है, इसको जो है अमली जामा पहनाने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि मुसलमानों के लिए किसी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अभी मैं बात सुन रहा था आरपीएन सिंह साहब की, सवाल यह है कि 10 साल इनकी सरकार केंद्र में रही और 10 साल जो थी वो यूपीए की सरकार रही और 10 साल में उन्हीं ने एक आयोग बनाया जस्टिस सच्चर की अगुवाई में मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, मुसलमानों का जायज़ा लेने के लिए। खाली वो आयोग बना, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ, जगह जगह सच्चर कमीशन गया, उसका क्या इम्प्लीमेंट हुआ? सवाल ये है कि उसके ऊपर, मैं खुद जस्टिस सच्चर से 2 दफ़ा मिला, मैंने अल्पसंख्यकों के मसाइल रखे, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है हमारी कम्युनिटी, हमने उनके मसाइल रखे, मगर बड़े अफसोस की बात है कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी पूरी रिपोर्ट 2 दफ़ा मैंने पढ़वाई, वो रिपोर्ट खाली कागज़ के पन्नों में तो कैद होकर रह गई है, ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। लिहाजा अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। इस वक्त ये बहुत अच्छी पहल हो रही है और इस वक्त इसका वेलकम करना चाहिए है हर सियासत से ऊपर उठ के, इसलिए कि अगर मुसलमानों के लिए कोई काम करने के लिए खड़ा हुआ है हमारे जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से खड़े हुए हैं इस वक्त अल्पसंख्यकों के लिए, तो उसका अगर पंचायत प्रोग्रेसिव है और पीस और पंचायत में पीस और पब्लिक है तो सर उसको वेलकम ही करेंगे। मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अभी काम शुरू नहीं हुआ। देखिए, शुरू होने से पहले हम मुखालिफत शुरू कर दें, अभी उसके बाद में उसके ऊपर हम एक फसाद शुरू कर दें और तमाम सियासी पार्टियां उधम करना शुरू कर दें, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप काम कीजिए, हमें पहले दिन से ही अच्छे दिन की आदत हो गई थी, इतने सपने हमें दिखाए गए तो इसीलिए हम रिजल्ट की बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, एक ह्यूमन नेचर भी है, टेंडेंसी भी है। अनिल, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह अच्छे दिन जरूर आए। निहारिका जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी मौलाना साहब का कि इन्होंने पूरी चीज कितने सकारात्मक ढंग से वो ले रहे हैं, ना कि विरोधियों की तरह की जो बारंबार प्रहार कर रहे हैं कि हम
जो हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके विषय में इतने संजीदगी से क्यों सोच रहे हैं। और जहां तक मैं आरपीएन सिंह साहब की बात भी सुन रही थी और कह रहे थे कि वे उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने हैं तो ये वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप तो नहीं लगा सकते हैं। अगर मुसलमानों को कोई इस्तेमाल करता है वोट बैंक की राजनीति के लिए वो कांग्रेस या कांग्रेस जैसे अनेक जो राजनीतिक दल हैं वो करते हैं। आप ये देखिए, अगर 14% हैं हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर, क्या 14% से कोई सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता। देखिए अनिला जी, एक बयान आया हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, नहीं मैं आपको आप ही की बात आप ही से पूछ रही हूँ। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पंचायत कर रही लेकिन मुस्लिम आबादी के लिए विकास का बजट रोक रही है। अब इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए। उसी हरियाणा के मेवात से शुरुआत हो रही है, वहीं के कांग्रेस के अध्यक्ष आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, मैं उसका उत्तर भी आपको दे देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने बजट जो है वो रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, आप ये देखिए कि जो पहले जितना बजट एलोकेशन होता था वो कितना पहुँच पाता था, क्या किसान ये जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं या माइनॉरिटीज़ में जो और भी जातियाँ आती हैं या धर्म आते हैं, क्या उनके पास वो बजट पहुँच पाता था? या तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था या उसका कुछ भी नहीं होता था। 2014-15 में तकरीबन 132 करोड़ जो है ये मिनिस्ट्री खर्च कर चुकी है और आगे आने वाले साल में तकरीबन 1,125 करोड़ रुपया हम और खर्च करने वाले हैं। और हमारी सरकार जो है अपनी पारदर्शिता के लिए मानी जाती है, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो जो पैसा है वो सीधा का सीधा जो माइनॉरिटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद करते हैं प्रोग्रेसिव पंचायत में प्रोग्रेशन की बात हो, पीपल हो, प्रो पब्लिक ये पर हो। धन्यवाद आप दोनों का और अनुराग चड्ढा फील्ड से जुड़ा इनपुट और रिएक्शन पॉलिटिशियंस का हमें देने के लिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।